अपनी तालियों से आशीर्वादों की वर्षा करें, जिस तरह से आप अपने बच्चों को देते हैं। तालियों के अभाव में सब कुछ फीका सा हो जाता है। आपकी तालियां जोश भरती हैं, वातावरण में ऊर्जा पैदा करती हैं। इतने सारे बच्चे हैं अपने साथियों के लिए, आप ही तालियां बजा दीजिए जोरदार। दो सौ बच्चों को आज ये वितरित किया जाएगा स्कूल चलो अभियान के माध्यम से। शिक्षा में बहुत जरूरी है कि आप साक्षर भी हों, संस्कारित भी हों। परिष्कृत और संस्कारित बुद्धि ही कुछ सकारात्मक सोच सकती है, सकारात्मक कर सकती है और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर सकती है। बहुत सौभाग्यशाली हैं ये बच्चे जिनको एक ऐसे व्यक्तित्व का आशीर्वाद मिल रहा है, जिन्होंने सत्य और ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है, जिनका तेजमय ओजमय व्यक्तित्व सदैव हमें उनकी ओर खींचता है और उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हृदय में जो वास करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जैसा कि उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, वो योगी ही नहीं कर्म योगी हैं, और वास्तव योगी ही वास्तव में कर्म योगी होता है। जिनका जीवन और एक एक पल समर्पित है अंत्योदय के लिए, सभी बच्चों के साथ एक चित्र हो जाए, क्योंकि इन बच्चों के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है, यादगार पल है। हम सब इच्छा रखते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ चित्र खिंचवाने की, और ये बच्चे सौभाग्यशाली हैं कि आशीर्वाद के साथ उन्हें एक ऐसा चित्र भी मिलेगा जो जीवन पर्यंत उन्हें प्रेरणा देगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनके जीवन का लक्ष्य है अंत्योदय, प्रण है अंत्योदय, और जिस पथ पर वो चलते हैं वो पथ है अंत्योदय, सबके विकास, सबके साथ, सबके विकास के लिए कृत संकल्पित हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनके व्यक्तित्व का रोम रोम और जिनकी वाणी में सत्य आभासित होता है, दृढ़ आत्मिक शक्ति आभासित होती है, जिनका व्यक्तित्व प्रेरणा देता है, मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के सुअवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। शुचिता, पारदर्शिता, ईमानदारी, दृढ़ शक्ति जिनकी कार्य संस्कृति का अंग है, जोरदार तालियों से स्वागत। उत्तर प्रदेश सरकार के दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के आज के शुभारंभ कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान तथा वन महोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, इस विभाग के वन विभाग के मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, हमारे ऊर्जा मंत्री श्रीमान श्रीकांत शर्मा जी, ब्रजेश पाठक जी, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, इस क्षेत्र के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्रीमान आशुतोष टंडन जी, स्वतंत्र देव सिंह जी, श्रीमती स्वाति सिंह जी, शिवपेंद्र तिवारी जी,
श्री मोहसिन रजा जी बेसिक शिक्षा के राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी और सरदार बलदेव सिंह ओलक जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अपर मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण श्री संजीव शरण जी प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री आरपी सिंह जी प्रमुख वन संरक्षक और वन विभाग के सभी अधिकारीगण बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारी और उपस्थित नागरिक बंधुओं मीडिया से जुड़े हुए सभी पत्रकार बंधुओं वन महोत्सव और स्कूल चलो अभियान के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि एक साथ दो कार्यक्रम यहां पर वन विभाग के द्वारा और बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा प्रारंभ हो रहा है। प्रदेश के अंदर वन विभाग के द्वारा वन महोत्सव के अवसर पर लगभग 4.5 करोड़ पौधे लगाने का एक प्रावधान है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न संस्थाओं के द्वारा पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई विभाग है, गन्ना विभाग है और भी अन्य तमाम जो हमारे विभाग है इनके द्वारा भी वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम चलेगा। पूरे इस सीजन में 6,55,00,000 पौधे प्रदेश के अंदर लगाने की एक योजना है और उसी क्रम में आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ वन महोत्सव के साथ यहां पर हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि अक्सर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब देश के अंदर पर्यावरण की बात आती तो उनके द्वारा एक बात कही जाती है कि अधिक वन लगाओ, उसके लिए पंचवटी है, नवग्रह वाटिका है, नक्षत्र वाटिका है। इसके बारे में तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने की प्रेरणा प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने इसको अक्सरशः यहां पर अंगीकार करते हुए उसको लागू करने का प्रयास किया है और मुझे प्रसन्नता है कि भारत की ऋषि परंपरा ने कैसे पर्यावरण के संरक्षण के लिए इन ग्रहों को पौधों के साथ जोड़ करके, वनों के साथ जोड़ करके पंचवटी का है, नवग्रह वाटिका का है, नक्षत्र वाटिका का है, इसका संयोजन भी करके हम सबको उन ग्रहों से मुक्ति करने का जिनके लिए हम विशेष अनुष्ठान करते हैं उसके लिए तत्संबंधी पौधा लगाने के लिए प्रेरणा प्रदान की है। एक अद्भुत कार्य है ये और एक पंचवटी की स्थापना यहां पर हुई है। मैं वन विभाग के सामने इस प्रस्ताव को रखूंगा कि एक उकरेल का क्षेत्र है, हमारे इस क्षेत्र के विधायक और मंत्री श्यास्तो टंडन जी, मैं तो जानता था कि उस शहर के विधायक हैं और जब मैं लखनऊ को देखता था तो केवल मुझे कंक्रीट का जंगल दिखाई देता था, लेकिन जब मुझे इधर इस जंगल में आने को मिला देखने को लिए तो मुझे लगा कि वास्तव में लखनऊ के अंदर बहुत कुछ है जो पर्यटकों को इको टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए बहुत सारी संभावनाओं को समेटे हुए है। उन्होंने यहां पर एक घड़ियाल संरक्षक का भी केंद्र बनाया हुआ है। टंडन जी की हार्दिक वो थी कि उस क्षेत्र में भी एक बार चला जाए और आज हम लोग इसके बाद उस क्षेत्र का भी दौरा करेंगे, निरीक्षण करेंगे। पर्यटकों को, पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्र को विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं और मुझे लगता है कि जब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, किसी आयोजन को एक इवेंट के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं समाज के सामने, तो उसके सामने आगे बढ़ने की ढेर सारी संभावनाएं विकसित हो जाती हैं। और आज वन महोत्सव का एक कार्यक्रम जहां एक अद्भुत कार्यक्रम है, मैं एक प्रस्ताव रखूंगा कि आने वाले 3 वर्ष के अंदर यह पूरा कुकरेल क्षेत्र एक नए आधुनिक जंगल के रूप में
पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो, इको टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित हो। वन विभाग इसको ध्यान में रखकर के अपनी कार्रवाई प्रारंभ करें, जन सहभागिता इसके साथ जोड़े। जो वृक्षारोपण यहां पर होंगे, किसी को जन्मदिन के आधार पर, किसी को अपने किसी की स्मृति के आधार पर, कोई अपने शादी ब्याह की तिथि को एक इवेंट के रूप में मनाता होगा, उसको उनको भी वन यहां पर लगाने के लिए, एक वृक्ष लगाने के लिए, और कोई किसी ग्रह से त्रसित है तो उस ग्रह वाटिका पर भी उस ग्रह से संबंधित वृक्ष को लगाने के लिए उनको प्रेरित करने का एक कार्य वन विभाग करेगा। और 3 वर्ष के दौरान इस संपूर्ण कुकरेल क्षेत्र एक आधुनिक वन के रूप में पर्यटकों को, लखनऊ आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, इस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों को देनी चाहिए। वन विभाग को इसको इस रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कुकरेल में वन के साथ साथ जो घड़ियाल प्रजनन का एक केंद्र भी है, वह एक महत्वपूर्ण केंद्र है और उसको विकसित करने की दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। एक जो सबसे बड़ा कार्यक्रम पहली बार वन विभाग के द्वारा होगा, वह गंगा माता के संरक्षण की दृष्टि। 5 जुलाई को गंगा जी के किनारे जितने भी जनपद हैं, लगभग 27 जनपद हैं, 27 जनपदों में वृक्षारोपण का एक बृहद अभियान वन विभाग के द्वारा प्रारंभ होने वाला है। उस अभियान को भी मैं स्वयं इस अवसर पर गढ़मुक्तेश्वर में जाकर के वन विभाग के इस कार्यक्रम को, वन महोत्सव के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दूंगा। हमारे उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी उस दिन इलाहाबाद में इस अवसर पर जाकर के गंगा मैया के तट पर गंगा की अविरलता और निर्मलता के इस मंत्र को ध्यान में रखकर के इस वन महोत्सव के कार्यक्रम को सफल बनाने के कार्य में लगेंगे। अन्य माननीय मंत्रीगण भी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के, अलग अलग जनपदों में जाकर के इस कार्यक्रम में सहभागी बनेंगे। और मेरा आप सबसे भी आग्रह होगा कि वन महोत्सव का जो 1 जुलाई से 7 जुलाई का कार्यक्रम है, इसको हम एक इवेंट के रूप में लेकर के पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के मंगलमय भविष्य के लिए हम अद्भुत रूप से वन महोत्सव के कार्यक्रम को अंगीकार करें, उसको स्वीकार करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं वन महोत्सव के इस कार्यक्रम के अवसर पर वन विभाग से जुड़े हुए अपने सभी जो माननीय मंत्रीगण हैं, श्री दारा सिंह चौहान जी, उपेंद्र तिवारी जी और इस विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को हृदय से बधाई दूंगा, अपनी शुभकामनाएं दूंगा। सज्जनों, आज का यह अवसर हम सबके सामने एक अन्य महत्वपूर्ण घटना के रूप में भी यहां प्रस्तुत किया है, और वह है स्कूल चलो अभियान का। स्कूल चलो अभियान में पहले ही दिन बेसिक शिक्षा विभाग ने यहां पर 200 बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स यह उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। मैं इसके लिए इस विभाग के जो हमारे मंत्री हैं, श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, श्री संदीप सिंह जी और प्रमुख सचिव श्री आरपी सिंह जी, इन सबको हृदय से बधाई दूंगा, अपनी शुभकामनाएं भी दूंगा। पहली बार लगा है कि गरीब का बच्चा भी किसी पब्लिक स्कूल और किसी कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर अच्छे कपड़े पहन सकता है और अच्छे बैग और बुक्स लेकर के गौरवान्वित महसूस कर सकता है। एक अच्छा प्रयास है, और यह कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान के रूप में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे जुलाई माह में प्रदेश का कोई बच्चा ऐसा नहीं न रहे कि जो स्कूल जाने से वंचित रह जाए, कोई ऐसा बच्चा न रहे। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग विशेष अभियान चलाएं, हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में यह अभियान चलना चाहिए, और हर बच्चे को जुलाई माह के अंदर उसकी यूनिफॉर्म मिल जाए, उसका बैग मिल जाए, उसको जूते मोजे मिल जाए, उसको यूनिफॉर्म मिल जाए, बुक्स मिल जाए, ये पूरी व्यवस्था जुलाई माह के अंदर वे लोग करेंगे, यह एक उम्मीद हम लोग रखेंगे। और इस विश्वास के साथ, यद्यपि कार्य बड़ा है क्योंकि प्रदेश के अंदर 1,59,000 प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, 5 लाख शिक्षक हैं, लेकिन हमारे पास अब तक 1,52,00,000 छात्र छात्राएं भी इन स्कूलों में अध्ययनरत हैं। इतनी बड़ी संख्या के अलावा
जो बच्चे अब तक स्कूल नहीं जा पाते थे उन बच्चों को भी हम लोग स्कूल जाने के लिए प्रेरित करेंगे। यह ध्यान में रख करके हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जो अतिरिक्त बच्चे आएंगे उन लोगों को भी समय के साथ ही हम लोग बैग है, बुक्स है, यूनिफॉर्म है, ये सभी व्यवस्थाएं हम समय पर उपलब्ध करवा दें। आज इन बच्चों की यूनिफॉर्म समय के साथ बेसिक शिक्षा विभाग ने इनको प्रदान किया है। मैं मानता हूं बड़ी संख्या है, लेकिन पूरे जुलाई माह के अंदर इस कार्य को आप लोग करेंगे और पठन पाठन का एक माहौल इन विद्यालयों में बनाएंगे तो आने वाले समय में जो हम लोगों का लक्ष्य है कि पूरे प्रदेश के अंदर 1,06,000 से लेकर के 14 वर्ष तक का प्रत्येक बच्चा स्कूल में रहे और स्कूल चलो अभियान के क्रम में इसको आगे बढ़ा करके खूब पढ़ो आगे बढ़ो के इस संकल्प के साथ समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाएगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आज के इस अवसर पर एक बार पुनः इन दोनों कार्यक्रमों को यहां पर एक साथ आयोजित करने के लिए, यद्यपि पहले मैं इस बारे में मानता था कि दोनों कार्यक्रम अलग अलग हों, स्कूल चलो अभियान स्कूल के अंदर और वन विभाग का कार्यक्रम यहां पर इस स्थल पर, मौसम की विपरीत परिस्थितियों और पहले दिन होने के नाते एक साथ किया गया है, लेकिन अगले जो कार्यक्रम होंगे हमारे वह स्कूल में ही होंगे और गांव में होंगे। यह एक अभियान हम लोगों को चलाना चाहिए और स्कूल में जाकर के वहां की समस्याओं को देखेंगे, उस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। मैं इस अवसर पर इन दोनों कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए वन विभाग को भी बेसिक शिक्षा विभाग को भी हृदय से बधाई दूंगा, साधुवाद देता हूं और इस पूरे कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए आप सबने उत्तर प्रदेश के अंदर वन महोत्सव कार्यक्रम को और स्कूल चलो अभियान को सफलतापूर्वक संचालित करने के लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़े हैं। हमें विश्वास है हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमेशा की तरह आज भी आपके प्रेरणादायी उद्बोधन ने हम सब में जोश भरा और हमारे संकल्पों को नई ऊर्जा दी कि हम पर्यावरण और शिक्षा के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी आप सुन रहे थे, जिन्होंने यहाँ पर दो खास कार्यक्रम शुरू किए, स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया और वन महोत्सव का भी शुभारंभ यहाँ पर किया। तो स्कूल जाने के लिए बच्चों को यूनिफॉर्म और साथ में स्कूल बैग वितरित किए गए। तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि वो नहीं चाहते कि उनके राज्य में कोई एक भी बच्चा ऐसा रहे जो स्कूल जाने से वंचित हो जाए। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हर बच्चे का पढ़ाई उसका अधिकार है और अधिकार उसको दिलाएंगे और आने वाले 3 साल में कुकरेल पर्यटन स्थल को विकसित करने की बात भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण तारीखों में कई दिन मनाते हैं तो ऐसे में वृक्षारोपण को लेकर भी दिन तय किया जाए और वृक्षारोपण किया जाए, अधिक से अधिक वन लगाए जाए, जैसे कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि 6.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की और साथ ही वृक्षारोपण को लेकर भी अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार लगा कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके से आने वाले बच्चे भी अच्छे कपड़े पहन सकते हैं और जुलाई के महीने में हर बच्चे को स्कूल बैग और यूनिफॉर्म